व्यूअर्स, इन्वेस्टमेंट के हवाले से जब भी आप कुछ चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं तो आप कुछ चीज़ें देख रहे होते हैं कि कुछ चीज़ें आपके बजट से जो है वो आउट हो रही होती हैं, तो आप इसी वाले से उसका कोई सब्सिट्यूट तलाश कर रहे होते हैं कि अब अगर हम कहीं और जगह पे मूव करें, किसी और सोसाइटी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, या रेजिडेंस के हवाले से आप देखते हैं कि वहाँ पर उस जैसी चीज़ें, उससे मिलती जुलती फैसिलिटीज़ या उसके करीब तर जो है ना वो आपको मिल जाएँ और वहाँ पर जो है ना आप इन्वेस्टमेंट कर लें और वो आपके लिए कितनी ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। आज की वीडियो में व्यूअर्स हम यही बात करेंगे इसी हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ उसामा सईद एंड यू आर वाचिंग सीडीबी प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, इन्वेस्टमेंट के हवाले से जब भी आप कुछ चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं तो आप कुछ चीज़ें देख रहे होते हैं कि कुछ चीज़ें आपके बजट से जो है वो आउट हो रही होती हैं, तो आप इसी वाले से उसका कोई सब्सिट्यूट तलाश कर रहे होते हैं कि अब अगर हम कहीं और जगह पर मूव करें, किसी और सोसाइटी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, या रेजिडेंस के हवाले से आप देखते हैं कि वहाँ पर उस जैसी चीज़ें, उससे मिलती जुलती फैसिलिटीज़ या उसके करीब तर जो है ना वो आपको मिल जाएँ और वहाँ पे जो है ना आप इन्वेस्टमेंट कर लें और वो आपके लिए कितनी ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। आज की वीडियो में व्यूअर्स हम यही बात करेंगे इसी हवाले से, बहरे टाउन के रेट्स के हवाले से आपको हम अपडेट करेंगे और बहरे टाउन के हवाले से आपको बताएंगे कि अब यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट है या नहीं है, या अगर आप नहीं भी है तो आप ज़्यादा बेनिफिट आपको किस सोसाइटी के अंदर होगा और वो आपके लिए कितना ज़्यादा जो है ना वो बेनिफिट होगा। सो व्यूअर्स, अगर फर्स्टली हम आपको बताएं बहरे टाउन के हवाले से, तो बहरे टाउन में व्यूअर्स इसका नो डाउट कि जितनी फैसिलिटीज़ बहरे टाउन के अंदर आपको मिलती हैं, इसके कोई भी ऐसी सोसाइटी यहाँ बनी है जो इसके करीब तक नहीं है, जो इतनी फैसिलिटीज़ वगैरह, इतनी फैसिलिटी से भरपूर हों, इतनी बेसिक नीड्स के हवाले से भी बात की जाए या दूसरी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के बारे से भी बात की जाए, जो आपको इतनी किसी भी सोसाइटी के अंदर मिलती हो। लेकिन व्यूअर्स, इसके जो करीब तर हों या कोई ऐसी सोसाइटी जो इस बहरे टाउन के करीब हो और आप बहरे टाउन की फैसिलिटीज़ को इंजॉय कर सकें, जो कि आप बहरे टाउन के अंदर आप प्लॉट परचेज करने से आपको इतनी ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट देनी पड़ेगी, उसकी बजाय अगर आप किसी और सोसाइटी में या उसकी जो सास सोसाइटी है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और आप कम प्राइस के अंदर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं, या रेजिडेंस के वजह से भी देखते हैं तो वहाँ पे आप रेजिडेंस भी कर लेते हैं, आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। तो व्यूअर्स, अगर हम यहाँ पे बात करें बहरे टाउन के अंदर आपको जो किन कैटेगरीज के फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट मिलते हैं यहाँ पर, तो व्यूअर्स आपको 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 किनाल और 2 किनाल के आपको प्लॉट्स जो है वो आपको मिलते हैं। तो व्यूअर्स, अगर हम 5 मरला के प्लॉट की प्राइस की बात करें बहरे टाउन के अंदर, आपको एक अच्छी लोकेशन का फेसिंग दी पार्क या नियर दी पार्क आपको 5 मरला का प्लॉट 1 करोड़ कोई 15 लाख या 20 लाख इसके राउंड में आपको मिलता है। तो व्यूअर्स, एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है जो कि 5 मरला का प्लॉट आपको बहरे टाउन के अंदर, इसका इतना ज़्यादा रेट हो चुका हुआ है 1 करोड़ 15 से लेके 1 करोड़ 20 के राउंड अबाउट। तो अगर हम इसी तरह व्यूअर्स हम यहाँ पे 8 मरला की प्राइस की बात करें, तो 8 मरला की जो प्राइस है वो व्यूअर्स आपको 1 करोड़ 30 लाख से के 1 करोड़ 50 के राउंड में मिलती है। इसी तरह व्यूअर्स 10 मरला की अगर बात करें, तो 10 मरला की जो प्राइस है वो आपको 2 करोड़ प्लस मिलती है। तो व्यूअर्स, ये एक अच्छी खासी अमाउंट बनती जा रही है इन प्लॉट्स की प्राइसेस की, कि अगर आप इतना महंगा प्लॉट आप यहाँ पे लें तो फिर आप ऊपर जो अगर कंस्ट्रक्शन भी करें तो वो भी आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन भी अब कितनी ज़्यादा महंगी होती जा रही है, तो व्यूअर्स वो आपकी एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाएगी। इस तरह व्यूअर्स, अगर हम यहाँ पे 1 किनाल की प्राइस की बात करें, तो वो भी आपको व्यूअर्स कॉर्नर का हो चाहे या नियर दी पार्क फेसिंग दी पार्क हो, वो आपको 3 करोड़ 50 लाख के राउंड में मिलता है। 2 किनाल की प्राइस की बात करें, तो 2 किनाल की जो प्राइस है वो आपको तकरीबन जो है ना 5 करोड़ से लेके 7 करोड़ के राउंड में आपको मिलता है। तो व्यूअर्स, ये एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है। जैसे आपको मैंने पहले कहा, बहरे टाउन जैसी फैसिलिटीज़ नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन व्यूअर्स ये एक अच्छी खासी अमाउंट है। अगर आप यही अमाउंट किसी ऐसी सोसाइटी में जो बहरे टाउन के करीब तो हो और उस सोसाइटी के अंदर आप लेकर और बहरे टाउन की फैसिलिटीज़ आप इंजॉय कर सकते हैं, तो व्यूअर्स वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। और इसी अमाउंट के अंदर आप वहाँ पे प्लॉट परचेज करके कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर मैं बात करूँ न्यू लॉर्ड सिटी की, न्यू लॉर्ड सिटी का जो कि फेज़ 3 है वो बहरे टाउन के सेक्टर F के साथ कनेक्टेड है। तो दैट मींस कि आप न्यू लॉर्ड सिटी से बहरे टाउन के साथ आप डायरेक्टली कनेक्टेड है, आप न्यू लॉर्ड सिटी से बहरे टाउन के अंदर आप आ सकते हैं। जो लोग न्यू लॉर्ड सिटी के अंदर प्लॉट वगैरह परचेज करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो या चाहे रेजिडेंस के लिए हो, रेजिडेंस के लिए जो लोग लेते हैं तो वो व्यूअर्स बहरे टाउन की फैसिलिटीज़ को भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर हम न्यू लॉर्ड सिटी के अंदर प्लॉट्स की कैटेगरीज बताएं, तो व्यूअर्स आपको न्यू लॉर्ड सिटी में सबसे पहले तो आपको 3 मरला का प्लॉट मिलता है, जो कि बहरे टाउन के अंदर आपको 3 मरला का प्लॉट नहीं मिलता। न्यू लॉर्ड सिटी के अंदर जो 3 मरला का प्लॉट है वो आपको एक अच्छी लोकेशन का, एक अच्छी डेवलप्ड जगह पे आपको, जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ हों,
जो कि इलेक्ट्रिसिटी जैसी हो, पानी वगैरह हो, तो वो व्यूअर्स आपको तकरीबन कोई 36-37 लाख की रेंज में आपको मिलता है। इसी तरह व्यूअर्स अगर मैं वहाँ पे बात करूँ आपको 5 महीने की प्राइस की, तो 5 महीने का जो आपको एक अच्छा प्लॉट जो है ना वो आपको तकरीबन 55-60 लाख की राउंड आपको मिलता है। और व्यूअर्स न्यू लोसरी के अंदर इसके अलावा 7 महीने का प्लॉट है, 10 महीने का प्लॉट है, 1 कनाल का प्लॉट है और 2 कनाल का प्लॉट है। अगर हम व्यूअर्स हम 7 महीने के प्लॉट की प्राइस की बात करें, तो 7 महीने का जो प्लॉट है वो आपको तकरीबन 70 लाख के राउंड में आपको मिलता है। 10 महीने की बात करें, तो 10 महीने का जो प्लॉट है वो आपको 85 लाख के राउंड में मिलता है। तो व्यूअर्स यही आप देखें ना कि अगर न्यू लॉर्ड सिटी के अंदर अच्छी डेवलप्ड एरिए में आपको 10 महल का प्लॉट 85 लाख के अंदर मिल रहा है, और इसके साथ ही आपको बहरिया टाउन के अंदर 2 करोड़ प्लस में आपको मिल रहा है। सो दैट मीन्स कि अगर आप न्यू लॉर्ड सिटी के अंदर अगर आप अच्छा नियर द पार्क या फेसिंग द पार्क चाहे हो वहाँ पे आप प्लॉट लेते हैं, तो 85 लाख के अंदर आप लेते हैं और साथ 2 करोड़ के साथ कंपेयर किया जाए तो उतनी आप कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। तो इसी तरह व्यूअर्स अगर हम यहाँ पे 1 कनाल की प्राइस की बात करें, तो 1 कनाल की जो प्राइस है वो आपको तकरीबन जो है ना वो 1 करोड़ 70 लाख के राउंड मिलती है, और अगर हम 2 कनाल की प्राइस की बात करें तो वो आपको 3 करोड़ 50 लाख के राउंड अबाउट मिलती है। तो व्यूअर्स ये आप खुद देख सकते हैं कि 2 कनाल का प्लॉट आपको 3 करोड़ 50 में मिल रहा है, न्यू लॉर्ड सिटी के अंदर डेवलप्ड एरिया है, नियर दी पार्क है और तमाम फैसिलिटीज़ हैं आपको वहाँ पे दी जा रही हैं, वही आपको जो है ना बहरिया टाउन के अंदर आपको 5-7 करोड़ के अंदर आपको मिल रहा है। इसमें एक चीज़ वो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको बताया कि बहरिया टाउन जैसी फैसिलिटीज़ तो नहीं है, लेकिन उसके करीब तर की फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे दी जा रही हैं। जो लोग एक पुरसकून ज़िंदगी के लिए एक ऐसी सोसाइटीज़ की तरफ मूव करते हैं कि हम यहाँ पे जो है ना ऐसी सोसाइटीज़ में जाएँ जहाँ पे शोर वगैरह कुछ इस तरह के हंगामी चीज़ों के हवाले से जो है ना, तो व्यूअर्स उनके लिए ये सोसाइटी न्यू लॉर्ड सिटी वो भी बेहतरीन है। मैं व्यूअर्स न्यू लॉर्ड सिटी के प्लॉट्स की सिर्फ ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ, ना कि फाइल्स की, क्योंकि फाइल्स के अंदर न्यू लॉर्ड सिटी के अंदर इशू रहा है और वहाँ पे अच्छा खासा लोगों को लॉस भी बियर करना पड़ा है। लेकिन न्यू लॉर्ड सिटी के जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, जिनके पास ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, जिन्होंने परचेज़ किए हैं, अगर वो अपनी इन प्लॉट्स की प्राइस को लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करें तो उनको अच्छा खासा गेन मिला है और वो न्यू लॉर्ड सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं। तो व्यूअर्स हमारी तरफ से आपको ये रिकमेंड होगा कि आप न्यू लॉर्ड सिटी को ऑन ग्राउंड प्लॉट्स को आप ज़रूर जो है ना कंसिडर करें, क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया कि बहरिया टाउन के अंदर आपको इतने ज़्यादा रेट्स मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी देखा जाए तो व्यूअर्स आपको न्यू लॉर्ड सिटी को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि जो लोग न्यू लॉर्ड सिटी के अंदर ऑन ग्राउंड प्लॉट्स के अंदर पहले इन्वेस्टमेंट वगैरह कर चुके हैं उनको अच्छा खासा गेन मिला है, और अच्छे खासे गेन के साथ वो आउट हुए हैं और दोबारा वो अच्छे खासे गेन के साथ दोबारा एंटर भी हुए हैं और दोबारा उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो है वो न्यू लॉर्ड सिटी में की हुई है। आज की वीडियो में व्यूअर्स आपको यही बताना था, क्योंकि जो लोग जिनका बजट इतना नहीं है बहरिया टाउन के अंदर, आप जो लोग रहना चाहते हैं और ऐसी फैसिलिटी को एंजॉय करना चाहते हैं, तो व्यूअर्स उसकी करीब तर फैसिलिटीज़ और उसके साथ बहरिया टाउन के अंदर साथ जो सोसाइटी लगती है, आप उस सोसाइटी के अंदर मूव होकर बहरिया टाउन की फैसिलिटी को एंजॉय कर सकते हैं बहरिया टाउन को अप्रोच करके। न्यू लॉर्ड सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की जो है ना एक और भी रीज़न बनती है, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि शाहकाम फ्लाईओवर जिस तरह ही ऑपरेशनल होगा उसके साथ जितनी भी सोसाइटीज़ लगती हैं उन सब के रेट्स जो है ना वो अच्छे खासे गेन में आएंगे, क्योंकि बेसिकली व्यूअर्स कोई भी रेजिडेंट ये चीज़ देखता है कि अगर किसी सोसाइटी के अंदर वो बाइंग कर रहा है अपने रेजिडेंस के हवाले से, तो वो एक चीज़ वो ज़रूर देखता होता है कि मेरी अप्रोच जो है ना इस सोसाइटी की वो कितनी ईजी है। जिस तरह व्यूअर्स शाहकाम फ्लाईओवर ऑपरेशनल हो जाएगा, उसी तरह व्यूअर्स इन सब सोसाइटीज़ की अप्रोच भी जो है ना वो भी ईजी से ईजी होती जाएंगी। तो व्यूअर्स जितने भी रेजिडेंस होंगे वो इन सोसाइटीज़ को ज़रूर कंसिडर करेंगे और इन सोसाइटी को यहाँ पर रहना शुरू कर देंगे और यहाँ पर एक अच्छी खासी डिमांड बनती जाएगी। तो व्यूअर्स आपके लिए अब इंतहाई बेस्ट टाइम है यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या अगर आप रेजिडेंस के हवाले से भी ऐसी सोसाइटीज़ को सर्च कर रहे हैं जो कि कम बजट के अंदर हों और फैसिलिटीज़ के हवाले से बात की जाए वो भी अच्छी खासी भरपूर हों, तो व्यूअर्स आप इसको ज़रूर कंसिडर करें। तो व्यूअर्स न्यू लॉर्ड सिटी की अगर मैं उसकी भी फैसिलिटीज़ की बात करूँ, तो व्यूअर्स आपको वहाँ पे भी पार्क्स मिलते हैं, वहाँ पे भी आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ मिलती हैं, वहाँ पर भी आपको जो है ना सिक्योरिटी सिस्टम आपको सारा कुछ आपको वहाँ पे मिलता है, उसके भी जो है ना डेवलपमेंट बड़ी अच्छी खासी हुई हुई है, बिजली और पानी आपको वहाँ पे भी जो है ना मिलता है। सो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपके टाइम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।